कोरोना महामारी कारण कई महीने स्कूल बंद रहने के बावजूद अज सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 10वीं 11वीं ते 12वीं क्लास के विद्यार्थियों ने स्कूल लगे ने, जिस कारण विद्यार्थियों के मापियां दे विच खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जिक्र योग है कि पंजाब सरकार ने कोविड नियमों की हदायतों की पालना के आदेश दिए हैं। जदों इस संबंधी विद्यार्थियों के मापियां नाल गलबात की तो उन्होंने कहा कि सानू इस गल की खुशी है कि काफ़ी समा स्कूल बंद रहने तो बाद स्कूल खोलने जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करने बच्चों को काफ़ी समस्यावां का सामना करना पैंदा सी। जो पंजाब सरकार ने ते सिक्ख्या विभाग ने बच्चों के स्कूल आने का फैसला लिया, इहदे नाल अध्यापकों च भी ते बच्चों विच भी बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल, क्योंकि पिछले लंबे समय तो क्लासा ना लगन कारण बच्चों की पढ़ाई का जिहड़ा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा, उसनू थोड़ा बहुता पूर्ण लई जिहड़ियां क्लासा लगियां ने, जदों बच्चे नू क्लास दे विच पढ़ाया जांदा ते ऑनलाइन पढ़ाया जाता उहदा बड़ा फर्क आ। अद्धे बच्चे क्लासा ऑनलाइन नहीं भी लाउंदे सी, पर इत्थे जदों बच्चे आउंदे ने उह जिहड़ी गल नहीं समझ आउंदी उह परसनल खड़े होकर पुछदे ने, उत्थे उह जगदे पुछदे ने, ते इत्थे उह बड़े ध्यान नाल पढ़दे भी ने ते उह नवीआं गल्लां सिखदे भी ने, ते दूजा उह जिंदगी दे विच जिहड़ा 2 साल दे विच उहनां ने बड़ा एक बीमारी का माहौल देखिया, उहदे विच उहनां दा बहुत बड़ा नुकसान होया जिंदगी का, जिहदे विच उह प्रैक्टिकली कुछ नहीं सीख सके, एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर सके ने, पर अज दा जो ये फैसला स्कूल लगन दा उहदे करके उह प्रैक्टिकली सीखणगे भी, ते अगे उहनां दी जिंदगी दे विच जो भी उहनां नूं कोई एग्जाम होऊगा नौकरी ते लगन दे विच जिंदगी नूं बतीत करन दे विच उह जिहड़ा ज्ञान प्राप्त करनगे उह एक चंगे इंसान ते चंगे विद्यार्थी बन के उरों निकलणगे। असीं स्कूल दे विच हर एक बच्चे नूं मास्क लई ते बच्चों नूं दूर दूर बिठा के क्लासां नूं लाया जांदा, ते कोविड तों पूरा ध्यान रख के सैनिटाइजर का प्रबंध किया गया, ते बच्चों नूं दूर दूर बिठा के ते मास्क लवा के क्लासां लगाईआं जांदियां। सारियां जिहड़ियां सरकार ने हदायतां दित्तियां ने कोविड दे मुताबक उहनां दी कोविड दीआं हदायतां दी पालना करदे होए ही क्लासां लाईआं जांदियां। स्कूल खुलने बहुत खुशी हो रही है, जो कि ऑनलाइन ना मतलब दिक्कत आती सी क्लासिस दे विच, कई कोले फोन नहीं है, स्कूल खुलने ते हुण टीचर्स बहुत चंगी तरह लैक्चर्स दे रहे ने, बहुत चंगी तरह मतलब समझ आ रहा, स्कूल खुलने ते बहुत खुशी हो रही है सानू। समस्या ऑनलाइन क्लासेस एक तो फोन कई को नहीं होंगे, चलो कई को होंगे, कई बार नैट की प्रॉब्लम हो जाती है, पेरेंट्स नहीं घर होंगे, सो वो करके प्रॉब्लम होंगी। हाँ जी सर, उन्होंने एग्री किया कि स्कूल खुलने ते अच्छा लगता है, स्कूल च वधिया पढ़ाई होंगी है, इसलिए जी गवर्नमेंट स्कूल खोलते बहुत वधिया किया, क्योंकि एक तो नैट की प्रॉब्लम होंगी सी, तो एक बच्चों का यह नहीं पता सी स्कूल का काम कर रहे हैं या वो कार्टून देखने लग जाने या गाने सुनने लग जाने, तो सानू कुछ पता नहीं लगता सी पेरेंट्स नू, तो साडे बच्चों लई बहुत वधिया जिहड़ा पंजाब सरकार ने स्कूल खोलते, सानू बहुत खुशी हुई इस गल की जिहड़े उन्होंने स्कूल खोले ने, सारे बच्चे लिए बहुत फायदा है, क्योंकि कई बेचारे जिहड़े गरीब माँ बाप से उन्होंने घर के तीन तीन बच्चे ने या चार बच्चे ने, वो इन्ने मोबाइल नहीं अफोर्ड कर सकते, पर हुण अपने बच्चे नू स्कूल भेज सकते हैं, नाले उन्होंने स्कूल के होर फैसिलिटी भी मिलेगी जो उन्होंने बच्चों लिए जरूरी है, इस करके असं बहुत खुश हाँ जी जिहड़ा बच्चों लिए स्कूल खोलिया पंजाब सरकार ने, असं बहुत धन्यवाद करते हैं जी पंजाब सरकार का, जिहड़े बच्चे साडे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही थी पर हुण जिन्ने महीने भी रहिंदे ने पक्के एग्जाम दे वह साडे बच्चों के वधिया लंघणगे जी, हुण सानू बहुत खुशी मिली है जी इस गल। मेरा नाम लवप्रीत सिंह, मैं 11th क्लास का विद्यार्थी हाँ, ऑनलाइन क्लासिस भी वधिया सी पर हुण जो स्कूल च पढ़ाई हो रही है वह ज़्यादा वधिया, क्योंकि ऑनलाइन क्लासा लाने से बहुत दिक्कत आती सी कोई नैट की प्रॉब्लम, तो करके हुण बहुत समझ वधिया आउंदा, जो समझ नहीं आता सी वह हुण समझाया जा रहा सानू बहुत वधिया तरीके नाल, ते बहुत खुश हाँ कि सरकार ने यह फैसला लिता, बहुत वधिया पढ़ाई की। सत श्री अकाल सर, ऑनलाइन पढ़ाई भी सर वधिया सी पर भी जो हुण नहीं समझ आया सी वह टीचर सानू समझा रहे ने, ते बहुत वधिया ढंग नाल बिठाया जा रहा, एक बेंच छड के मास्क लगे होने चाहिए सारे, दे सैनिटाइजर होना चाहिए। सरकार का फैसला किवें है? सरकार का फैसला वधिया सर, जो ऑनलाइन क्लासा नहीं समझ आया वो हुण सानू समझाया जा रहा चंगी तरह ना। हाँ जी सर आवांगे, वो आने भी सर मापे की मर्जी होनी चाहिए, स्वय घोषणा पत्र होना चाहिए। आवाजे कम टीवी नाभा तो पत्रकार तरुण मेहता की रिपोर्ट।